उत्तराखंड सिंपली हेवन, इन्हीं तीन शब्दों के साथ उत्तराखंड सरकार और पर्यटन मंत्रालय देश दुनिया के पर्यटकों को उत्तराखंड आने का बुलावा देता है। लेकिन जब देश के कोने कोने से पर्यटक उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उन्हें बदहाल सिस्टम की वजह से तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों उत्तराखंड रोडवेज के हल्द्वानी बस अड्डे का भी है, जहां यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड रोडवेज प्रबंधन के तमाम दावे गर्मियों के सीजन में बेपर्दा हो गए। यात्रा सुगम बनाना तो दूर, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोडवेज की बसें तक नहीं मिल रही हैं। हल्द्वानी के रोडवेज बस अड्डे में रोजाना विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल की सैर को देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, लेकिन बसों में सीट पाने के लिए सबको पसीना बहाना पड़ रहा है। बस के दरवाजे में एंट्री नहीं मिलने पर यात्री खिड़कियों से बस में सीट पाने कब जाने को मजबूर है। पुरुष तो पुरुष, महिला यात्री भी खिड़की के सहारे सीट पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी हालत में बुजुर्ग और बच्चों के लिए बस में सीट पाना किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, 35 सीट वाली बस में 70 से अधिक यात्री ठूस ठूस कर सफर करने को मजबूर हैं। ऐसे में पहाड़ी रूट पर सुरक्षा को ताक पर रखकर यात्री सफर करने को मजबूर है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। यही वजह है कि यात्रियों का उत्तराखंड की सैर करने का अनुभव शुरुआती दौर में ही असहज और परेशान करने वाला हो रहा है। अमृत विचार की टीम ने जब यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पर्यटन सीजन और चार धाम यात्रा का उत्तराखंड सरकार खूब प्रचार कर रही है। टीवी, अखबारों में विज्ञापन जारी कर लोगों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दे रही है, लेकिन यह सुविधाएं नाकाफी हैं। जब सरकार को पहले से पता था कि गर्मियों की छुट्टी और चार धाम यात्रा के लिए पर्यटक पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से करनी चाहिए थी। इधर रोडवेज के आरएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बसें चारधाम यात्रा रूट पर भेजी गई हैं। ऐसे में वीकेंड में यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से दिक्कत आ रही है। ऐसे में अतिरिक्त बसें लगातार पर्यटकों को सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल जमीनी हकीकत पर्यटकों को परेशान करने वाली है और उत्तराखंड सरकार और परिवहन निगम है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी मौन है। हम लोग झांसी से आए हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की नगर से आए हैं और हम लोग घूमने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं, मगर यहाँ पे व्यवस्थाओं के नाम पे जीरो है। कोई ठंडा पानी नहीं है, कहीं पीने के लिए पानी नहीं है, सारी जगह गंदगी पड़ी हुई है, गंद और पानी नहीं है। यहाँ पे बसें नहीं है, सबसे बड़ी बात ये बसें नहीं है। हम लोग प्राइवेट बस करने जाते हैं, गाड़ी करने जाते हैं तो किराया मनमाना मांगते हैं, कहते हैं वहाँ नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे सरकार के नाम पे, प्राइवेट बसों के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है सरकार द्वारा। मोहल्ला सराख हम से हूँ और मैं यहाँ आपके नैनीताल घूमने आया था, लेकिन यहाँ मुझे सेवा नहीं मिली है और सेवा मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ सीजन के एतबार से और बहुत सारे मौके पे लोग घूमने आते हैं तो सेवा अच्छी होनी चाहिए। मैं इसके कुछ बात कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ सेवा अच्छी होनी चाहिए आपके यहाँ। मैं आपको थैंक यू करूँगा, वेलकम करूँगा। झांसी से आया हूँ यहाँ नैनीताल घूमने, यहाँ पर बस की कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, बस जाने के लिए कोई है ही नहीं। आती है तो वो इतनी भर जाती है कि हम लोग चल भी नहीं पा रहे उस बस में और खड़े होके जाना पड़ रहा है। बस नैनीताल जाने के लिए कोई व्यवस्था सही नहीं है यहाँ से। हम लोगों के साथ परिवार भी हमारे परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों को जा ही नहीं पा रहा। सैटरडे की वजह से, वीकेंड होने की वजह से अचानक भीड़ बढ़ गई है, अतिरिक्त गाड़ियाँ हमने लगाई गई है और खुद हम व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। गाड़ियां आ रही हैं तीन तीन राउंड में और पूरी अपनी तरफ से कोशिश की जा रही कि संचालन सही रहे। सुरक्षा के लिहाज से ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करा जाए, इस समय पर परेशानी है कि पब्लिक की अधिकता की वजह से हो रहा है। बसों की ऐसा है, फेरे बढ़ा सकते हैं हम, बसें तो लिमिटेड हैं हमारे पास। जो नैनीताल लूट की है वहाँ पर 166 व्हील बेस की गाड़ियाँ जाती हैं, बड़ी गाड़ियों का अलाव नहीं है, तो उन गाड़ियों के हम फेरे बढ़ाते हैं।